किचन हॉरर डे नाइट का कंसेप्ट लिया हुआ है, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि इसमें लर्निंग आउटकम क्या है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है वो डे और नाइट, उसको हमने जो ये चीजें हैं जैसे हॉट एंड कोल्ड है उसके बारे में वो फील कैसा करता है ये चीज हमने सुनी है, और जो उसके एक्शन होंगे कि गर्म अगर है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ठंडा अगर होगा तो उसके लिए हमने कैसे रिएक्ट करना है, बच्चा वो मतलब बच्चा बताएगा हमें सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा हॉट ऑब्जेक्ट कि हॉट में हम क्या क्या लेते हैं, बच्चा जैसे गर्म दूध ले रहा है ये आपने लर्निंग आउटकम 2 से शुरू किया है, लर्निंग आउटकम 1 कहां पे, 1 का इंडिकेटर आपने नीचे लिख दिया होगा, दिखाओ सर, रिकॉग्निशन ऑफ डे एंड नाइट आपका लर्निंग सर इकट्ठा ही सा शायद हां नीचे हो गया होगा, अच्छा दिखाओ जी सी अगेन हम बोल रहे हैं कि हमें लर्निंग आउटकम और इंडिकेटर्स को मैच भी तो करना है, वहां पे लर्निंग आउटकम में डे एंड नाइट शब्द होंगे तो उसको बताना है इसमें मैंने अभी स्प्रिंग और ऑटम नहीं डाला है क्योंकि बच्चे को सर्दी और गर्मी उसके बाद है सॉर्टिंग लॉस अकॉर्डिंग टू सीजन, बच्चे को हम मतलब हमने ज्यादातर कोशिश करनी है कि बच्चे को फ्लैश कार्ड से ही हमने ये दिखाना है क्योंकि बच्चा अभी इतनी ज्यादा बड़ी उसका वो है नहीं बट वो फील कर सकता है इन चीजों को, तो इसमें है कंसेप्ट ऑफ डे एंड नाइट सेम वो भी आ जाएगा क्योंकि जो छोटे लेवल इमेजेस से था वो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना है, फिर ड्रेस वियर अकॉर्डिंग टू सीजन name dresses wear on summer and dresses wear in winter, next slide sir this some sir ye maine ma'am jo hai ye hai na maine according to level pehle chote se level se start kiya hai dheere dheere usko thoda thoda badhaya hai